हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 11th का जो हिंदी का पेपर आपका होने वाला है, इसका पूरा हल हम आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराने वाले हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप अपने हिंदी के पेपर को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखिएगा, आप अपने पेपर को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सही विकल्प के उत्तर, इस पूरे सॉल्यूशन को हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। तो सही विकल्प के जो उत्तर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है, इसमें चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसका जो सही जवाब होगा वो होगा राजस्थानी। तो दोस्तों, आपको स्कूल द्वारा पेपर मिल जाएगा सुबह, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में क्या बनना है, राजस्थानी। और इसके बाद में जो दूसरा आपका सही विकल्प है उसमें आपको मैनेजर के, तो यहाँ पर आपको भर देना है। इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है, तो वो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है studygrow.com, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी। तो वहाँ से इसको कन्फर्म कर लेना है। और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, जो तीसरा है वो है कुल्हाड़ी। और इसके बाद में जो चौथा सही है वो है सन 1936 में। और इसके बाद में जो पांचवा है उसका जो सही जवाब होगा वो होगा रामचरितमानस। और इसके बाद में चलते हैं जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, जिसमें रिक्तस्थान के उत्तर आपको भरने हैं। तो यहाँ पर जो इसमें आपका जो पहला है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पंत। और इसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा रिक्त स्थान होगा उसमें आपको भरना है मोहन, और जो तीसरा रिक्त स्थान है उसमें आपको भरना है गानपन। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए नहीं, सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस उस क्वेश्चन को आपको फोटो लेना है और क्वेश्चन को क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, GE, नीट या 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा आपको डाउट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही आप डाउट नेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी, जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। और इसके बाद में चौथा रिक्त स्थान है यहाँ पर, उसमें भरना है आपको 4। और इसके बाद में जो आपका पांचवा रिक्त स्थान होगा उसमें आपको माधुर्य भर देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 10 नंबर का आपका पेपर सॉल्व हो जाता है। और इसके बाद में चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। तो प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है, इसमें आपको सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो सत्य असत्य में से आपको सत्य और असत्य छाँट कर लिखना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रहेगा वो सत्य रहेगा, और जो दूसरा है वो भी सत्य, और तीसरा है वो भी सत्य, और इसके बाद में जो चौथा रहेगा वो असत्य रहेगा, और इसके बाद में पांचवा है वो सत्य है। तो दोस्तों, ये जो सभी सॉल्यूशन है आप एक बार studygrow.com वेबसाइट पर, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से कन्फर्म कर लें कि ये वाकई में ये सत्य या असत्य हैं, इनको हम वहाँ पर दोबारा से अपडेट कर देंगे। और इसके बाद में जो प्रश्न क्रमांक चौथा है, जिसमें आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है, तो यहाँ पर सभी उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो है आओ मिलकर बचाएं, तो यहाँ पर इसको मिलाना है आपको निर्मला पुतुल से। और इसके बाद में चलते हैं जो दूसरे आपकी सही जोड़ी है वो है मेरी कहानी, तो इसको आपको मिला देना है जवाहरलाल नेहरू से। और इसके बाद में जो तीसरी है वो है रात दिन, तो ये एक द्वंद्व समास है, तो इसको आपको द्वंद्व समास से मिला देना है। इसके बाद में जो चौथा है वो है वाक्य रचनात्मक काव्य, तो इसको आपको मिलाना है आचार्य विश्वनाथ से। और इसके बाद में पांचवा है वह है जिसका अर्थ चिपका हो, तो वह है श्लेष, तो यहाँ पर आपको श्लेष से मिला देना है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद में चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 है, जिसमें एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है जिसमें जिसका आंसर होगा शराब पीने की। और इसके बाद में जो दूसरा का आंसर कन्फर्म मिला नहीं है, इसलिए हम आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट है उस पर हम पूरा नाम अपडेट कर देंगे, यानी कि पूरा उत्तर जो है वो अपडेट कर देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसका दूसरे का। और इसके बाद में जो तीसरा है वह है मितभाषी, तो यहाँ पर आपको मितभाषी
भर देना है तीसरे का आंसर में। और इसके बाद में चौथा है, मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाइए, तो ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में पांचवे का होगा अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पांच क्वेश्चन हल हो जाते हैं जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भर सकते हैं। और इसके बाद में इसका जो आगे का सॉल्यूशन है वो प्रश्न क्रमांक 6 से, और जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का सॉल्यूशन आपको सेकेंड पास्ट यानी कि सेकेंड जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो उस पूरे सॉल्यूशन को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर क्लिक करें और आल वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे क्या होगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और साथ में अगर आप इसका पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो studyguru.com वेबसाइट पर जाएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।